राजेंद्र नगर पी एस हदूद ऊपरपल्ली के इलाके सनराइज कॉलोनी में 3 बेडरूम फ्लैट में जिस्म फरोशी का धंधा करने वालों को राजेंद्र नगर पुलिस और SOT ने किया गिरफ्तार, जिसमें 6 लड़कियों के साथ 3 कस्टमर्स और 3 सेक्स रैकेट चलाने वालों को किया गिरफ्तार। इन 6 लड़कियों में से 4 लड़कियां दिल्ली की है, 1 हैदराबाद और 1 मुंबई की बताई जा रही है। ACP राजेंद्र नगर श्री अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया को तफसीलात बताया। आइए देखते हैं इसी की ये रिपोर्ट। लिमिट्स में ऊपरपल्ली में सनराइज कॉलोनी में एक इंडिपेंडेंट 2 बेडरूम घर के अंदर एक ट्रांसमिशन चल रहा है। वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर सुरेश और SOT SI राजेश्वर रेड्डी और उनका टीम वुमन इंस्पेक्टर वुमन SI राजेंद्र नगर टीम मिल के वो घर को रेड करके उसमें जो ये गैर जरूरी ये जो इलीगल धंधा चला रहे 2 ऑर्गेनाइजर्स और 1 इमरान, तीनों को अरेस्ट करे और 6 लड़कियों को रेस्क्यू करे। उसमें से 6 लड़कियों को जो 4 बॉम्बे के है, 2 दिल्ली के, 1 हैदराबाद के है, उनको महीना 25,000 रुपये देते बोल के बात करके एक ऑर्गेनाइजर से लेके आए। एक मनीष शर्मा बोल के मेन ऑर्गेनाइजर है और दीपचंद ये 2 ऑर्गेनाइजर से, ये लोग बॉम्बे से ये लड़कियों को लाके ये घर में लगा देके 6 लड़कियों को ये कस्टमर इमरान शरीफ बोल के जो ओल्ड सिटी में रहता है, इन्हें कस्टमर्स को कलेक्ट करके यहाँ ला के पहुँचाता और उन्हें कमीशन लेता। तो पूर्व को कल रात में इंस्पेक्टर सुरेश राजेंद्र नगर रेड करके श्वेता SI के साथ में मिल के वो 6 लड़कियों को रेस्क्यू करे और 2 ऑर्गेनाइजर्स 1 सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजर, तीनों को अरेस्ट करे और उसमें 3 कस्टमर्स जो कस्टमर्स भी थे रेडियन पकड़े गए घर में, उनसे उनको अरेस्ट करे। उसमें से 25,000 रुपये कैश जो लोग जमा करे थे उनके पास, वो सीज करे और उसमें मोबाइल फ़ोन सीज करे और कंडोम जो भी यूज़ करे ये गलत हरकत में, वो भी सीज करे और जो और कुछ फोन का इंफॉर्मेशन भी फर्दर कलेक्शन चल रहा है। उनको तीनों को पूरे 6 जनों को अरेस्ट करके रिमांड को भी जा रहे अभी। उसमें से 2 जने को फिर पुलिस कस्टडी लेके उसमें दीपचंद बोल के जो पहले भी केस में इन्वॉल्व था, उन्हें 2016 में सिटी में सेम पीटा केस में इन्वॉल्व था, उसका इन्फॉर्मेशन लगाएंगे और दीपचंद के ऊपर अपने मनीष शर्मा के ऊपर PD Act लगाने का भी इंस्पेक्टर साहब प्रपोजल भी भेजा रहे हैं। उस कमीशन साहब से अप्रूवल लेके उसको PD Act में ये दोनों को डिटेन करेंगे और 6 लड़कियों को रेस्क्यू होम को भेजा रहे, फिर उनके माँ बाप को बुला के उनकी फर्दर उनका लोकल परमानेंट रेजिडेंस को देके कोर्ट वाले उनको रिलीज करते, ये तीनों को रिमांड में भेजा। थैंक यू।